ओम शांति। 3/6/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, जैसे बाबा सुख देने वाला है दुख हरता है, तो तुम्हें भी मास्टर सुख देने वाला बनना है। फिर बाबा ने पूछा, बच्चे खुश मौज में हो, खुशहाल हो? बाबा पूछता है, क्योंकि बाबा का बच्चों से प्यार है। फिर बाबा ने कहा, मैं उस्ताद हूँ, माया भी कम उस्ताद नहीं है। जितना बाबा को याद करेंगे माया आएगी, लेकिन विजय आखिर तुम्हारी होनी है, क्योंकि सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम बच्चे ही विजय माला के दाना बनने वाले हो। मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। सुख दो फूल बन करके, किसी को कांटा नहीं लगाओ, सबको सुख दो। क्वेश्चन, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों से पूछते हैं? आंसर, मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चे, मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चे। तीन टाइटल बाबा ने दिए। खुश मौज में हो, आप सभी खुश हो, मौज में हो, बाबा को बता दीजिएगा। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। फिर कई बहनें कॉपी करती हैं, पूछती हैं, लाडले भाई बहनों, तो ये बाबा के मुख से शोभा देते हैं शब्द, बच्चों के मुख से नहीं। या फिर हमारी दादियाँ थी, वो कह सकती थी, और छोटी बहनें बोलें, कोई भी ऐसे बहन बोले, तो शोभा नहीं देता। ये बाबा के मुख से, बड़ों के मुख से ही शोभा देते हैं शब्द। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं, बच्चे माया जीत बने हो? सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, शिव बाबा समर्थ है, उस्ताद हैं, वो याद रहता है, खुशी रहती है। गीत के बोल हैं, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवानों वाच्य। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है, इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह न सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवानों वाच्य। ब्रह्मा का बाप शिव है, रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंचे ते ऊंचा होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंच ते ऊंच नहीं कहा जाता, ऊंच ते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सन्मुख बैठे हुए हैं, तो मात पिता भी चाहिए। तमिव मातश्च पिता आदि आदि ये गाया जाता है ना। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुखवन शावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगड़ तो रच नहीं सकते, तो यह ब्रह्मा माता है, परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती हैं। यह तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। यह दादा ब्रह्मा हैं। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, हम ब्रह्मा की मुखवन शावली हैं, इनको एडॉप्टेशन कहा जाता है। कुखवन शावली को एडॉप्टेशन नहीं कहेंगे, मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुखवन शावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो, वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख से फॉलोअर्स। कुख की उत्पत्ति कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन कौन है? शिव बाबा को ही कहेंगे ना। क्या जिससे वो पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं। शंकराचार्य का बाप है कौन?
परम पिता परमात्मा। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती हैं धर्म स्थापन करने। जैसे परमपिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर कुख वंशावली बनाई, फिर वह मुख वंशावली चलती है। वो मुख वंशावली बनाई फिर वह मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा मेरी मुख वंशावली हैं, क्योंकि आत्मा तो सदा है ही, अजर है, अमर अविनाशी हैं, आत्मा ही तो हैं ही। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना। कौन सा ख्याल रखना है बच्चे? ख्याल रखना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे मिलना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलता। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमारे से मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ, मुझे ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। ब्रह्मा को मास्टर क्रिएटर कहेंगे, वह हो गया बाप। ब्रह्मा भी बाप, शिव बाबा भी बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा है ब्रह्मा, फिर है उनके पोत्रे और पोत्रियाँ। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? तो ज़रूर उनको शरीर चाहिए ना, शिव बाबा को शरीर चाहिए ना। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आएगा, जैसे श्री कृष्ण को दिखाया है पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। शरीर तो चाहिए ना, गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का भी बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर वन चली गई। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम बाला हो जाता है। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते, जगदम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं? बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत हैं ना, कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत दिए हैं, थोड़ा बहुत आटे में नमक कोई, ऐसी ऐसी बातें हैं। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई हैं। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार, यह रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई बहुत ज़ोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है, तो बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, खुद जानते हैं,
तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको उन सब का सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ उनका बैठकर किताब बनाते हैं, भक्ति मार्ग में वो फिर किताब अर्थात श्रीमद् भगवत गीता बनती है। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखाया है। युद्ध है माया की, वो वाली युद्ध नहीं आपस में लड़ाई झगड़े की, माया अर्थात विकारों से। उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं, तुम्हारे में भी मुख्य कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य हैं कौन? सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की उन्हों में भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है। वह जड़ कांटे हैं, यह फिर है ह्यूमन कांटे। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथा सुख देते हैं, वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं। इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सत्युग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके, यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलता है, माँ से मिलता नहीं। भल ज्ञान समझाते हैं परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिसके पास जाना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता उसी के पास परम धाम में हम बच्चों को जाना है। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, ब्रह्मा की आत्मा को मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला। अल्लाह अर्थात अल्लाह, ईश्वर ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है। बच्चों को बाप मिला गोया सब कुछ मिला, बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली। सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। वह तो सदैव कर्मातीत है, हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नई कर्म संबंध में जुटना है। इसलिए पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। ये वंडरफुल बातें हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता भी नहीं कहते, ऊँचे ते ऊँच भगवान ही कहेंगे। गाया भी जाता है तमेव मातश्च पिता तमेव बंधु सखा आदि आदि, तो वही माता ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगदम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है कुखन शावली, इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया, जो था वो सब शिव बाबा को दे दिया। ब्रह्मा तो बैगर है।
देही सहित सब कुछ दे दिया, सर्वधर्मानि प्रज्ञ। हम तो आत्मा हैं, देही भी नहीं मेरी, संबंध भी नहीं, पदार्थ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देही सहित सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, हम तो आत्मा हैं। बेहद बाप का बच्चा हूँ, ये इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुरबी बच्चा है। परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो, ये बाबा भी पूछते हैं। कभी माया का वार तो नहीं होता है ना, तूफान तो माया के बहुत आएंगे। बॉक्सिंग से हारना नहीं है, उस्ताद समर्थ बैठा है। माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़ी है कि सबको हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है। माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा सबसे पहलवान हैं। है तो मेल, फिर नंबर वार तुम गंगाई हो, फिर मेल्स भी बहुत हैं। जगदीश संजय हैं, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री हैं, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल आदि सब हैं, परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडव की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्री मत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, अब चिड़ियाएं थोड़ी सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भूं भूं करती रहती हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा हप कर लेती हो, जो मास्टर ज्ञान सागर बन जाती हो, उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजा आदि कुछ नहीं रखती, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रतन तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़ी हैं, तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। कहाँ की बात, कहाँ पक्षियों में जाकर लगाई है। तुमको रतन देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, और कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है। यह ज्ञान सागर ज्ञान रतन रूप बसंत की भी कहानी सुनी है। तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रतन देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख कर सकते, इतने रतन बाबा देते हैं जो कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। ये नॉलेज है जिससे बड़ी भारी प्राप्ति होती है, कमाई भी होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रतन देते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। बाप रूप भी हैं, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर हैं। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे, ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर के भरते हैं, ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली, इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली, याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए, नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारणा होती है। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि रूपी बर्तन योग से ही शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है, ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती।
इनका नाम तो बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है, ये ब्रह्मा तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का, जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन, ये गुह्य बातें अब सुनाते हैं। जरूर कल्प पहले भी सुनाई होंगी, तब तो कहते हैं गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, आएंगे पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर हैं, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम रूप बसंत नहीं हो। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप बसंत बनना है। सेकंड पॉइंट, समर्थ उस्ताद की सुमत श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भाव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण, स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसी नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं, कैसी भी आत्माएं हो लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। स्लोगन, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे बाप सदा स्वमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वमान में रहेंगी, नीचे नहीं आएंगी, हर कदम स्वमान का होगा। ऐसा स्वमान धारी बाप समान है, स्वमान ही उसका सिंहासन होगा। भविष्य सिंहासन के पहले स्वमान के सिंहासन पर सदा कायम रहो, सिंहासन में कभी नीचे नहीं आना। ओम शांति।